मतलब कुत्ता को भी चार पैर होता है, गधा को भी चार पैर होता है, इसलिए सारे गधे कुत्ते हैं। कि प्रधानमंत्री जी को भी दो आंख है और गधा को भी दो आंख होता है। दोस्तों, यूं तो कन्हैया कुमार अपने भाषणों को लेकर हमेशा ही चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन इस बार उनके भाषण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कन्हैया अपने भाषणों के जरिए भाजपा, आरएसएस और मोदी पर खुलकर बयानबाजी करते रहते हैं। इस बार भी उन्होंने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा है। बेंगलुरु में युवा कांग्रेस के महाअधिवेशन में एनएसयूआई प्रभारी कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कन्हैया ने भाषण देते हुए कहा कि मोदी कहते हैं पीएफआई के नाम में भी इंडिया है और विपक्ष के गठबंधन के नाम में भी इंडिया है। अगर प्रधानमंत्री के ही लॉजिक से जाएं तो प्रधानमंत्री की दो आंखें हैं, गधे की भी दो आंखें हैं, क्या प्रधानमंत्री गधा हैं? सुनिए कन्हैया कुमार का ये भाषण। गंभीर दायित्व आपके कंधे पे है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आज देश की बागडोर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में नहीं है कि जिन्होंने किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आज देश की बागडोर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हाथ में नहीं है, जो विदेश पढ़ करके आए थे और इस देश की ड्राफ्टिंग कमिटी में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम किया, बनाने का काम किया। आज देश की बागडोर 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल जाने वाले शहीद आजम भगत सिंह के हाथ में नहीं है। आज देश की बागडोर एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो अपनी पत्नी की जिम्मेवारी ना उठाया हो वो देश की जिम्मेवारी उठाएगा। बताइए, आज देश की बागडोर एक ऐसे हाथ में है जो कहता है कि पीएफआई के नाम में भी इंडिया है। मतलब कुत्ता को भी चार पैर होता है, गधा को भी चार पैर होता है, इसलिए सारे गधे कुत्ते हैं। अगर ये रीजनिंग मैं लगाऊं, जो रीजनिंग इस देश के प्रधानमंत्री ने लगाया है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि प्रधानमंत्री जी को भी दो आंख है और गधा को भी दो आंख होता है। बोलिए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं भाजपा, मोदी और आरएसएस की चर्चा करूं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कितनी गंभीर परिस्थिति में आज हम खड़े हैं। इतनी गंभीर परिस्थिति में खड़े हैं कि संस्थाओं को तो छोड़ दीजिए, व्यक्तियों को भी बोलने का अधिकार नहीं है। मणिपुर हिंसा को लेकर भी कन्हैया कुमार ने पीएम मोदी को घेरते हुए कई सवाल उठाए। सुनिए कन्हैया कुमार का ये भाषण। कि जिस देश की 55% आबादी नौजवान हो, जिस देश में दुनिया का हर पांचवा युवक भारतीय हो, जिस देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, और जिस देश में जिस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा था, उससे ठीक कुछ दिन पहले कारगिल में लड़ने वाले शहीदों के परिवार के साथ कैसी नग्नता की गई है, ये वीडियो आप लोगों ने देखा है। इसीलिए आप अपनी जिम्मेवारी को समझिए। आप इस गंभीर समय में जो आपकी भूमिका है उसको आपको समझने पड़ेगी। और मेरा मानना बिल्कुल साफ है, जैसे बिना विचार की कोई राजनीति नहीं होती है, उसी तरह से बिना नौजवान के, बिना विद्यार्थी के कोई पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है। इस बात को याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सत्य का शासन हो और सत्ता पे बैठे हुए लोगों का जो अहंकार है, उस अहंकार को चकनाचूर किया जाए, जिस लोकतंत्र की बुनियाद पर, जिस जमहूरियत के दम पर आज उनको कुर्सी पे बिठाई गई है, अगर आप उनको नीचे उतारना चाहते हैं, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि इस देश के नौजवानों और विद्यार्थियों को सबसे बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शरीर है, तो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस को दोनों हाथ मनना पड़ेगा। यह बात हम लोगों को समझना होगा। जब तक इस देश का फर्स्ट टाइम वोटर
जिसके मैसेज में, जिसके स्नैपचैट पे, जिसके इंस्टाग्राम में, जिसके व्हाट्सएप पे झूठ परोस करके, मिस इंफॉर्मेशन परोस करके उनको गुमराह किया गया है, जब तक उनके सामने हम सच्चाई लेकर के नहीं जाएंगे, जब तक हम घर घर नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम स्कूल स्कूल नहीं पहुंचेंगे, विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय नहीं पहुंचेंगे, तब तक इस सत्ता पे बैठे हुए लोगों को हम सत्ता से बाहर नहीं कर सकते हैं और लोकतंत्र को बचा नहीं सकते हैं। जो सवाल है यहां पर कि भारत का बुनियाद क्या है, भारत का बुनियाद है इंडिया, यह बात हम लोगों को समझना पड़ेगा। भारत का बुनियाद है इंडिया, और वो जो इंडिया है वो इंडिया एक सोच है, और वो सोच को हमको एक एक कार्यकर्ता को अपने व्यवहार में लेकर के आना पड़ेगा। अगर हम महात्मा गांधी का उदाहरण आपके सामने रखें तो किस तरह का एग्जाम्पल हमको देखने का मिलता है। गांधी जी ऐसे नहीं थे कि बुनियाद भारत के कार्यक्रम में आए हैं, कर्नाटक में सरकार भी है तो थोड़ा फोटो वोटो खिंचा करके चल देंगे, ऐसे नहीं होगा। ये मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपनी आलोचना कर रहा हूं। गांधीवादी तरीका यह है कि चंपारण में जब किसान लड़ रहे थे तो गांधी जी शहर छोड़ करके चंपारण चले गए, वहीं आश्रम बना दिया, महीनों तक लड़ते रहे और अंग्रेजों को धूल चटा दिया। ये गांधीवादी तरीका है। 100 समस्याएं होंगी, 1000 समस्याएं होंगी। बतौर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन मैं बार बार कह रहा हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तभी मजबूत हो सकता है जब यूथ कांग्रेस और NSY मजबूत होगा, इस बात का संकल्प हमको लेना पड़ेगा। और वो मजबूती कैसे होगी? वो मजबूती ऐसे होगी, गांधीवादी तरीके से होगी, कि हम एक समस्या को उठाएंगे, लगातार आंदोलन करेंगे और जब तक सरकार और प्रशासन को झुका ना दें अपने आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। ये तरीका हमको अपनाना पड़ेगा। और एक बात याद रखिएगा, जब आप आंदोलन जीतते हैं, जब आप संघर्ष को जीतते हैं तो टिकट का सवाल अपने आप सॉल्व हो जाता है। और एक बात याद रखिएगा, जब आप आंदोलन जीतते हैं, जब आप संघर्ष को जीतते हैं तो टिकट का सवाल अपने आप सॉल्व हो जाता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद लोगों को इस देश के इतिहास को दोबारा जाकर के देखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम उस पार्टी से हैं जिस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई है। अभी कलाकार ने आजादी की बात की, हाथों की आजादी की बात की, देश की आजादी की बात की, तो एक एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता को गर्व से यह बात कहनी चाहिए कि हम वो लोग हैं जो इस देश को आजादी दिलाए हैं और आजाद देश में आजादी को बचाएंगे भी, इस बात को हमको याद रखना है।